हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट है, बेसिकली यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं फिलहाल। ठीक है। अरे यार, ये तो बहुत ही ज्यादा थिक हो गया, क्या हुआ? ठीक ठीक है। यूनिट 2 स्टार्ट है, जिसमें टॉपिक का नाम है स्मॉल ऑसिलेशंस, और ये मैं जिस बुक से करा रही हूँ वो वही है, लांडा एंड लिफ्शिस, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। आप गूगल पे डालोगे, यू विल गेट द पीडीएफ। जेसी उपाध्याय का भी पीडीएफ अवेलेबल है फ्री, इसका भी पीडीएफ अवेलेबल है आपके पास, ना, क्लासिकल मैकेनिक्स बाय लांडो लिफ्शिज़। चलिए, स्मॉल ऑसिलेशन की बात हम करते हैं, हम काफी आगे चले गए यार। फोर्स ऑसिलेशन, हाँ ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हमारा फ्री ऑसिलेशन इन वन डायमेंशन, फ्री ऑसिलेशन इन वन डायमेंशन। तो इसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है ये सारी थ्योरी क्या लिखी हुई है, कुछ नहीं। मेन हमारा होता है स्टार्टिंग का, कि सपोज हमारे पास वन डायमेंशन में पोटेंशियल एनर्जी, हम ये लेते हैं। अब ये कहाँ से आई, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। देखो, वो ये कहना चाह रहा है हमारे पास कि सपोज हमें किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पता है ना। मान लीजिए हमें x इज इक्वल टू x नॉट पर पोटेंशियल पता है, जो कि है u x नॉट करेक्ट के पार्टिकल की, और इसके आसपास में हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखना है। तो ऐसे काम के लिए हम यूज करते हैं टेलर सीरीज या टेलर एक्सपांशन। टेलर एक्सपांशन क्यों यूज करते हैं? अगर हमें किसी फंक्शन की वैल्यू पता होती है, अगर हमें किसी फंक्शन की वैल्यू पता होती है किसी एक पॉइंट पे, तो उसके आसपास जो है उसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम टेलर सीरीज यूज करते हैं। टेलर सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ प्राइम ए कर सकते हो आप, और प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल प्राइम ए एंड सो ऑन। ठीक है, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो यू एक्स हमें जिस पॉइंट पे पता होता है वहां पे फंक्शन की वैल्यू, यानी यू एक्स नॉट हमें पता है, प्लस एक्स माइनस ए की जगह हम क्या रख रहे हैं, एक्स नॉट, और हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि डी यू बाई डी एक्स लेना है, और किस पॉइंट पे, ए पे, यानी कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पर लेना है, करेक्ट। तो इसे हम लिख सकते हैं यू प्राइम एक्स नॉट एंड सो ऑन। यहाँ पे भी लिख लीजिए एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, और ये है आ जाएगा यू डबल प्राइम एक्स नॉट। अब हमारे पास ध्यान रखना कि जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है, मान लीजिए वहां पर हमारा जो पार्टिकल है वो स्टेबल है, करेक्ट, जिस पॉइंट पे, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पर पता है, और वो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर सिस्टम को सबसे ज्यादा स्टेबल किए हुए हैं, और अगर वो उसको स्टेबल किए हुए है, तो स्टेबिलिटी के अंदर किसी भी पार्टिकल की एनर्जी हमेशा क्या होती है, मिनिमम, यानी स्टेबल जहां पर है वहां पर फंक्शन आपका क्या है, मिनिमम, करेक्ट, आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। और हमारे पास मान लीजिए, है ना, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी, हमारा कंसिडरेशन ये है कि मान लीजिए एक्स नॉट को हम कहां पर इमेजिन कर रहे हैं, ओरिजिन पे, एक्स नॉट हमारा क्या है, ओरिजिन पे है, मान लीजिए एक्स नॉट हमारा है ओरिजिन पे, तो हमें एक्स नॉट की जगह क्या रखना है, जीरो रखना है सबसे पहले। तो हमारा यू एक्स कितना आ जाएगा, यू एट ओरिजिन एक्स माइनस जीरो यू प्राइम एक्स नॉट प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू और यू डबल प्राइम एक्स नॉट। अगर हम कह रहे हैं कि ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और वहां पर स्टेबल है, तो कोई भी फंक्शन जब मिनिमम होता है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे, है ना, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे कितना होता है, जीरो। अगर कोई फंक्शन है अब वो मिनिमम या मैक्सिमम होता है, तो उसका पहला डेरिवेटिव क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स कितना होता है, जीरो। और अगर वो मिनिमम है तो उसका जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर वो फंक्शन मैक्सिमम है तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेस देन जीरो। हमारे केस में मिनिमम ले रहे हैं, तो एक तो ये कंडीशन डाल देते हैं और एक ये कंडीशन डाल देते हैं, तो यू प्राइम तो हमारा कितना हो जाएगा, जीरो, करेक्ट। और मान लीजिए तो ये वाला फंक्शन तो जीरो हो जाएगा। अब जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमने ली है वो भी हम करते हैं, मान लीजिए कि ओरिजिन पर, किस पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो कि मिनिमम है, उस मिनिमम को हम क्या मान लेते हैं, जीरो। इसका कारण है, देखिए मान लीजिए हम जब भी रेफरेंस लेते हैं, हम तो बोलते हैं ना इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर मान लिया कि जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मान लीजिए वो हमारी कितनी है, जीरो है। अगर ये जीरो है तो ये फर्स्ट टर्म भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो, और इसके अलावा हमने अवॉइड कर दिए, तो यू एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी मिल रही है, एक्स स्क्वायर बाय टू। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है, किस
किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू जीरो पर, करेक्ट। और हमें पता है कि ये क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। उस पॉजिटिव नंबर को हम मान लेते हैं के, तो यूएक्स का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 1/2 kx2। अब यही थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, सीधा आप तो 21.2 वाली इक्वेशन है वो मैंने आपको समझा दी कि एक्स स्क्वायर आ चुका है, करेक्ट। अब हम इसका लग्रांजियन बनाते हैं। लग्रांजियन में हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक माइनस पोटेंशियल। हम जानते हैं अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एक्स डॉट, और हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर काइनेटिक, हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल जो अभी डिराइव किया है। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन आपने निकाल रखा है, वैसे ये लग्रांजियन से निकाल रहा है। तो d/dt डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, ये यूनिट वन में आप निकाल चुके हो इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, आप चाहते हो तो इस इक्वेशन को लिखोगे, यू विल रीच दिस इक्वेशन। आप यहाँ पे आ जाओगे, एल की जगह ये रखिए यहाँ पे, ठीक है, और आपके पास ये आ जाएगा। इस एम को यहाँ लेके आओगे तो के बाय एम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक्स डबल डॉट प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू जीरो, और इस के बाय एम को मान लीजिए कितना है, ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी जहां पे ओमेगा हमारा कितना हो जाएगा, रूट के बाय एम। ओके, यहां तक समझ में आ चुका है। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, एक्स डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, है ना, ये अपन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है बेसिकली, d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। आपने बीएससी सेकंड ईयर में मैथ्स में पढ़ा होगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो या तो साइन में होता है या कॉस में होता है, एक्सपोनेंशियल में होता है, तीनों में से कोई भी एक ले लो। तो हम मान लेते हैं जनरल सॉल्यूशन हमारा कॉस में, और आपने देखा भी होगा इसके दो सॉल्यूशन होते हैं, C1 एक्सपोनेंशियल कुछ फैक्टर प्लस C2 एक्सपोनेंशियल कुछ फैक्टर। तो यहाँ पर कॉस दो टर्म आते हैं जनरल सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर हम कॉस ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, C1 cos ओमेगा टी प्लस C2 sin ओमेगा टी, ये हम मान लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्यों लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा को अगर आप ओपन करो तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अल्फा हमारा कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे देखो एक आ रहा है कॉस ओमेगा टी और उसके साथ कॉन्स्टेंट, यहाँ पर भी आपका ये आ रहा है कॉस ओमेगा टी और उसके साथ कॉन्स्टेंट, फिर इधर आपका आ रहा है साइन ओमेगा टी और साथ में कांस्टेंट, इधर भी आपका आ रहा है साइन ओमेगा टी और उसके साथ कांस्टेंट कितना है, माइनस का साइन अल्फा। तो 21.7 और 21.8 जो है उनका जो फॉर्म है वो काफी सिमिलर है, भले ही क्योंकि आप इसको ओपन करोगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन, बस बीच में प्लस माइनस का आएगा अंतर आएगा, तो उस नेगेटिव साइन को आप कांस्टेंट के अंदर अगर इंक्लूड कर दो तो आपको एक्सप्रेशन 21.7 वाला ही मिलेगा। ओके, अगर हम ये मान लेते हैं और फिर C1 C2 की वैल्यू निकालते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा। सो बेसिकली हमें क्या मिला है, हमें एक मिला है x इज इक्वल टू C1 cos ओमेगा टी प्लस C2 sin ओमेगा टी, है ना, और दूसरा हमने कौन सा माना है, a cos ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसको मैं ओपन करती हूं, तो a कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, अंदर मल्टीप्लाई करो, ए कॉस अल्फा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस का ए साइन अल्फा साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं इसको, करेक्ट। अब इसको कंपेयर करो इस वाली इक्वेशन से, इन दोनों को कंपेयर करो, तो देखो कोस ओमेगा टी यहाँ पे है कोस ओमेगा टी यहाँ पे है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब C1 जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, ए कॉस अल्फा, तो C1 तो आपका हो गया ए कॉस अल्फा। सिमिलरली जो C2 है उसकी जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का ए साइन अल्फा, तो C2 आपका हो जाएगा माइनस का ए साइन अल्फा। दोनों से आप कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू निकालिए, कॉस अल्फा आ रहा है C1/a और साइन अल्फा आ रहा है C2/a विद नेगेटिव साइन। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, C1/a² प्लस साइन स्क्वायर अल्फा में नेगेटिव साइन तो हट जाएगा और कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा होता है 1 इज इक्वल टू C1/a² प्लस C2/a² जिसे आप क्या लिख सकते हो C1² प्लस C2² इज इक्वल टू a², और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, √C1² प्लस C2², साथ ही में आपके पास cos अल्फा की वैल्यू ये है sin अल्फा की वैल्यू ये है, तो sin बाय cos करो, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा करो, तो माइनस का C2/a C1/a, a से a कैंसिल आ जाएगा, माइनस का C2/C1, और sin बाय cos कितना होता है 10, तो यहां से आपको अल्फा कितना मिल रहा है 10 इनवर्स विद नेगेटिव साइन C2/C1, नेगेटिव बाहर आ सकता है,
तो एक तो आपके पास ए की वैल्यू मिल चुकी है और एक आपके पास अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है। ए और अल्फा मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ये दो ही हमारे पास अननोन थे। तो ये देखिए आपके पास ए ये आ गया और टेन अल्फा आपके पास 21.9 जो इक्वेशन है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ओके नाउ अब हमारे पास ये थ्योरी, इतनी थ्योरी मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, आपको मैथमेटिकल इक्वेशन से बस वही एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। ओके नाउ एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी हमारी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और एनर्जी 21.10 से हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ रही है। कैसे आएगी? एनर्जी है 1/2 m एक्स डॉट स्क्वायर काइनेटिक, और ये पोटेंशियल। एक्स हमारा कितना था? ए कॉस ओमेगा टी प्लस एल्फा, ये रख देते हैं 1/2 m एक्स का डॉट यानी इसका डिफरेंशिएशन यानी कि dx बाई dt कितना हो जाएगा? माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा। पर इसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस एल्फा प्लस 1/2 k x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं डायरेक्टली ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस एल्फा। अभी अभी हमने देखा था ओमेगा कितना था हमारा k/m से, तो यहां से k की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है m ओमेगा स्क्वायर। तो इस k की जगह हम रख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर। फिर दोनों के अंदर कॉमन क्या क्या आ रहा है? 1/2 दोनों में है, m दोनों में है, ओमेगा स्क्वायर दोनों में है, ए स्क्वायर भी दोनों में है। बस इधर आ रहा है साइन स्क्वायर, इधर आ रहा है कॉस स्क्वायर, जो कि हो जाता है 1। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये एनर्जी आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अगर ये बोलता कि ये वाला ये तो आ चुका है 21.10, अगर आप सोचो कि ये वाला कैसे आया एक्स रोट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगर ये आपको समझना है तो हम ये भी समझ सकते हैं। ये भी मैं बता देती हूँ आपके पास कैसे आया। हमारा एक्सप्रेशन क्या था? ई इज इक्वल्स टू 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 k x स्क्वायर। अभी अभी हमने देखा के कितना था, एम ओमेगा स्क्वायर को होता है के, ये के होता है। अब दोनों में से कॉमन ले लो 1/2 m, कितना आ रहा है एक्स रोट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो वो वाला एक्सप्रेशन भी मैंने आपको समझा दिया है, ये वाला, और ये वाला भी आ चुका है। ठीक है, एनर्जी हमारे पास आ चुकी है। अब अपन क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए एक्स हमें क्या मिला था, बेसिकली अगर हम टाइम डिपेंडेंस देखें कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास हमने क्या माना था एक्स को, बेसिकली एक्स क्या था? ए कॉस ओमेगा टी प्लस एल्फा, एल्फा तो कांस्टेंट है। तो टाइम डिपेंडेंसी में हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही है? एक हमारे पास आ रहा है कुछ एम्पलीट्यूड, और फिर एक कॉस का टर्म आ रहा है। कॉस के टर्म को आप क्या लिख सकते हो? रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल। ये बेसिकली आएगा क्या, ये कॉस ओमेगा टी तो आएगा क्योंकि ई की पावर आई ओमेगा टी को ओपन करो कितना होगा? कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी। तो रियल पार्ट क्या है? कॉस। तो हमारा जो एक्स था अगर हम उसे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखना चाहें, अल्फा को फिलहाल कंसीडर नहीं करें, एग्जैक्टली इसको नहीं लिख रहे हैं, बस सिमिलैरिटी है कि ये कॉस के टर्म में है और साथ में, क्योंकि जब इस अल्फा को हटाओगे बेसिकली तो आपके पास ऑब्वियसली आपको ओपन करना पड़ेगा। तो इन जनरल हम एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो माना हमने कि हम एक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ सम एम्पलीट्यूड और फेज पार्ट, राइट। ये जो ए है ये भी मान लीजिए आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है। अगर ये कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? अगर ए एम्पलीट्यूड आपने कॉम्प्लेक्स लिया है, एम्पलीट्यूड आपने कॉम्प्लेक्स लिया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए को हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप्स हो जाएगा। और आपको पता है कि एक्स प्लस आयोटा वाई को आर ई की पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं, ये पोलर फॉर्म होती है। तो हमारा ए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इस आर की जगह लेते हैं मान लीजिए ए, और यहाँ पर हम क्या करते हैं आई एल्फा ले लेते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा? आई एल्फा। ये हमने क्यों किया? क्योंकि देखिए एक्स हमारा एक्चुअल में क्या था? ए कॉस ओमेगा टी प्लस एल्फा। इस कॉस ओमेगा टी को तो हमने एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी में रख दिया, तो एल्फा का भी तो पार्ट आना चाहिए, यानी कि ई की पावर आई एल्फा किस में डालोगे? वो डाल देना इसमें। तो ए ई की पावर आई एल्फा, ए ई की पावर आई एल्फा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल ए। तो कैपिटल ए, आई होप आपको समझ में आ गया है कि हमने वो क्यों लिया, कॉम्प्लेक्स क्यों लिया, क्योंकि इसमें डेफिनेटली आयोटा वाला टर्म आ रहा है। तो ए हमारा ये हो गया। ओके नाउ ए इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, चलिए दैट्स इट, खत्म। ये हमारा पहला टॉपिक था, काफी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब हम बात करते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस की। फोर्स में क्या होता है? हमारे पास
अगर मान लीजिए हमने फोर्थ ऑक्सीजन में समझना, एक पेंडुलम है, पहले आपने इसको इधर लाके छोड़ दिया, छोड़ दिया तो ये ऑसिलेशन कर रहा था अपनी खुद की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, जो ओमेगा नोट मान लीजिए या ओमेगा है कुछ भी इसकी, या ओमेगा है सॉरी, ओमेगा ही लेके चलेंगे क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी, उस फ्रिक्वेंसी से क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। अब मान लीजिए इधर खड़े हो आप, और जैसे झूला देते हैं ना, अगर झूले में कोई बैठा होता है आप उसे कंटिन्यू पीरियोडिक मोशन में आप उसे झूला देते हो, तो यहां से ये एक फोर्स लगा रहा है कैपिटल एफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल वाइब्रेशन कर रहा है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, या तो वो कॉस ओमेगा टी में प्रोपोर्शनल जा रहा है या साइन ओमेगा टी में जाएगा, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो वैसा का वैसा ही पैटर्न फॉलो करे, यानी कॉस का ही फॉलो करे या साइन का ही फॉलो करे, तो जो फोर्स हम लगाएंगे वो भी, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट कॉस के साथ वेरी कर रहा है तो फोर्स भी हम कॉस का लगाएंगे, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी के जैसा होता तो फोर्स भी, क्यों क्यों हम सेम रख रहे हैं, क्योंकि साइन में इस तरह का ग्राफ बनता है, करेक्ट। तो आपने, आपके पार्टिकल ने यहां से शुरू किया, अब वापस उसको फोर्स की जरूरत कब पड़ेगी, जब वो वापस इसी पोजीशन पे आएगा, और इसी पोजीशन पे आपने साइन थीटा वाला ग्राफ लगाया है, तो उसका जो ग्राफ है वो चेंज नहीं होगा, उसका जो ग्राफ है वो चेंज नहीं होगा। तो जैसा उसका पैटर्न जा रहा है डिस्प्लेसमेंट का, आप भी अगर फोर्स वैसा ही लगाओगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो खुद की फ्रिक्वेंसी तो भूल जाएगा, खुद की फ्रीक्वेंसी तो वो भूल जाएगा, और आप जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करवा रहे हो, जितना धक्का दे रहे हो, वो आपके हिसाब से चलेगा, ठीक है। ये फोर्स ऑसिलेशन हमारे पास होते हैं। तो इसमें क्या होता है, लेट अस नाउ कंसीडर ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम ऑन विच वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स, वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, इसे हम फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। फ्री ऑसिलेशन के अंदर तो हमने बस उसको लेके छोड़ दिया, अब छोड़ेंगे नहीं, जब जब वो वापस आएगा फिर से हम धक्का देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे झूला झुलाते हैं किसी को तब देते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि एक उसकी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम पर कब आती है, ध्यान रखना, जब उस पर कोई फोर्स एक्ट करता है, जब किसी पार्टिकल पे कोई फोर्स एक्ट करता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी आती है। अब देखो उसको, उसका लाग्रांजियन लिखेंगे तो उसके पास काइनेटिक तो रहेगी, ठीक है, और एक उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी रह रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी रह रही है। अब उसके पास एक्स्ट्रा एक एनर्जी आएगी, जो कि ये जो फोर्स आप लगा रहे हो इस फोर्स द्वारा, यानी ये फोर्स जितना काम करेगा, ये फोर्स जितना काम करेगा वो, क्योंकि हमें पता है वर्क, वर्क क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म ही होता है, और वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी आर। तो आपके एफ ने, सपोज डिस्प्लेसमेंट कितना ले रहे हो, एक्स, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट देने पे ये एफ कितना काम करेगा, एफ इंटू एक्स ही तो करेगा, और एफ एक्स किसकी डायमेंशन देगा आपको, एनर्जी की। और फोर्स जब भी लगता है उसके करस्पॉन्डिंग, जब भी आप किसी सिस्टम पे फोर्स लगाते हो तो आपने जितना काम किया है वो सामने वाले सिस्टम की एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, इस एफ ने भी काम किया है, अब सोचो साइन क्या आना चाहिए, एफ का एक्स से मल्टीप्लीकेशन तो होना चाहिए, लेकिन ये प्लस है, ये प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, देखो अब क्या करोगे। सबसे पहले ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है, हुक्स का, हुक का नियम क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स, स्मॉल एफ ले लेती हूँ, ये कि एक्स स्क्वायर वाला फोर्स लग रहा है। जब आपने पेंडुलम को इधर एक्स दिया, इधर एक्स दिया होगा मान लीजिए, तब ये फोर्स किधर लगता है, माइनस के एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लगता है, और अगर एफ यहां से है तो हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, यहां से यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का एफ डी एक्स इंटीग्रेशन, और अगर आप फोर्स की वैल्यू रखो माइनस का के एक्स डी एक्स, तो आपके पास कितना आ रहा है, प्लस का 1/2 के एक्स स्क्वायर। यानी कि ये जो फोर्स लगता है वो तो जिस दिशा में पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है उसके अगेंस्ट लगता है, लेकिन जो कैपिटल एफ हम लगा रहे हैं वो जिस दिशा में पार्टिकल जा रहा है उसे सपोर्ट करते हैं। जब आप झूला देते हो तो आपने उस पार्टिकल को धक्का दिया, क्योंकि जिधर पार्टिकल जाना चाहता है आप उसे उधर ही धक्का दे रहे हो, करेक्ट, तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन जब वो आगे चला जाता है और पीछे की तरफ आता है तो वो पीछे कौन ला रहा है उसको, ये वाला फोर्स उसको पीछे ला रहा है, यानी ये वाला जो फोर्स है वो उसकी मोशन का अपोज कर रहा है, जबकि आप पार्टिकल की मोशन को सपोर्ट कर रहे हो। तो अगर इस पोटेंशियल एनर्जी के आगे प्लस का साइन है तो एक्स इंटू एफ के आगे माइनस का साइन होना चाहिए। आ गई बात समझ में, इसका मतलब लाग्रांजियन में टी माइनस वी होता है, तो टी माइनस दो पोटेंशियल एनर्जी है, V1 प्लस V2,
आ गया बात आपको समझ में? तो टी माइनस वी वन आपका क्या हो जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। अगर ये प्लस साइन के साथ में आ रहा है तो एक्स वाला कितना हो जाएगा आपके, माइनस साइन के साथ में हो जाएगा आपके, ठीक है। सो 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर, और प्लस का कितना आ जाएगा एक्स एफ, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ये पार्टिकल के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये पार्टिकल के डायरेक्शन में, जिधर वो मूव करना है उधर जा रहा है। तो लाग्रांजियन हमारा इस फॉर्म में होगा। ओके ये थ्योरी आप पढ़ो तो आपकी इच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 22.1 में हम आ चुके हैं, हमारा जो फोर्स लग रहा है क्योंकि वो कॉस का फंक्शन होगा, उसमें टाइम आएगा ही आएगा, इसलिए कैपिटल एफ को हमने क्या लिखा है, एज अ फंक्शन ऑफ टी। नाउ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन इस बार हमें क्या मिलेगी। सो अगर हमारा एल ये है, अगर हमारा एल यहाँ पर ये आ रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें हमारे पास मिलेगा एम एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ टी। ये अगेन मैं बोल रही हूँ, एल आपके पास आने के बाद डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल एक्स माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो। आप ये करके देखिए, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस एल का वैल्यू रखनी है, ठीक है। अगेन एम से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो एक्स डॉट प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ बाई एम आ जाएगा। इसको हम ओमेगा स्क्वायर रख देते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर मिल जाएगी 22.2। अब ये वाले इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या करें, आपने मैथमेटिकल सॉरी मैथ्स के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से होती है, डी टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, तो उसका सॉल्यूशन केवल सी एफ में लिया जाता है। लेकिन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या माइनस भी हो जाता है, मान लीजिए प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस एक्स इक्वल टू सम वैल्यू विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सपोज यहाँ कोई कांस्टेंट मान लेते हैं कैपिटल ए या कुछ भी कैपिटल ए, तो उस कंडीशन में इसके दो सॉल्यूशन होते हैं, एक तो सी एफ और एक पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल है ना, ये दो होते हैं। और टोटल सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ और पी आई का टोटल होता है, ये आप मैथ्स में पढ़ लेना। तो इससे प्रीवियस केस में फ्री ऑसिलेशन हमने देखा था, तो राइट हैंड साइड में जीरो मिल रहा था, इसलिए हमने केवल सी एफ इमेजिन किया और वही इसका फाइनल सॉल्यूशन था। अब हमें सी एफ तो लेना ही लेना है, और सी एफ कैसे निकाला जाता है, सी एफ निकाला जाता है ए को जीरो कंसिडर करके। पहले ए को जीरो मान लिया जाता है, इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ जाती है, तब सी एफ निकाला जाता है, फिर इस ए को कंसिडर करके पी आई निकाला जाता है, और पी आई के बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो इस बार हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो दो सॉल्यूशन का टोटल होगा, एक्स नॉट प्लस एक्स वन। ये हमने फ्री ऑसिलेशन में जो लिया था वही लेंगे, यानी इसकी वैल्यू होगी कॉस ओमेगा टी प्लस एल्फा, ये तो हमारा सी एफ होगा। अब हमारा क्या है, एक्स वन विच इज इक्वल टू पी आई। हमें पता नहीं है कि पी आई क्या आएगा, लेकिन हमें पता है कि अगर एक्स नॉट की वैल्यू ऐसी आ रही है तो एक्स वन की भी मिलती जुलती ले लेते हैं। तो मान लेते हैं एक्स वन जो है वो ले लेते हैं, ए की जगह हम ले लेते हैं बी, कॉस की जगह हमें कॉस ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे फोर्स की वजह से आया, और हमारा फोर्स बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हमें हमेशा रहना है। तो कॉस जब पॉजिटिव होता है तो हमारा फोर्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, कॉस जब नेगेटिव होता है तो हमारा फोर्स भी नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए हमारे फोर्स के एक्सप्रेशन में कॉस का टर्म रख लो, ठीक है। लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा थी, हमने जो फोर्स लगाया वो अलग फ्रीक्वेंसी से लगाया है, इसलिए ओमेगा की जगह कोई नई फ्रीक्वेंसी लेते हैं, मान लीजिए गामा टी प्लस, और मान लीजिए तो कांस्टेंट है अल्फा, तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा। आई होप दैट इज समझ। अच्छा अल्फा की जगह भी हमें कुछ और लेना चाहिए क्या, अल्फा की जगह हमें, एक मिनट, क्योंकि हमारा ये स्पेस सेम हो या जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यस 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 मैंने सही पकड़ा, अल्फा की जगह अल्फा नहीं ले सकते यहां पर भी, नया मतलब हमने बिल्कुल एक्स नोट से मिलता जुलता सॉल्यूशन बना लिया है, ए की जगह बी ले लिया, ओमेगा की जगह गामा ले लिया, अल्फा की जगह बीटा। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस बी कॉस गामा टी प्लस बीटा। अब एक बार ध्यान रखिएगा, आपका भले ही ये सी एफ हो और ये आपका पी आई हो, जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन आपने लिखे हैं, मतलब एक्स डॉट प्लस क्या सॉल्यूशन, हमारा इक्वेशन क्या था, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ टी बाय एम, ये हमारी इक्वेशन थी जिसके सॉल्यूशन हमने लिखे हैं। ध्यान रखना सी एफ अकेला भी इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, और पी आई अकेला भी इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, और सी एफ प्लस पी आई दोनों मिलके भी हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों, इसका मतलब आपका ये भी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये भी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और दोनों को मिला के जनरल सॉल्यूशन जो बनेगा वो सी एफ प्लस पी आई होगा। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर बी की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगी कि ये वाला जो है, अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ,
क्योंकि मुझे पता नहीं था ना ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हमने तो माना है, अगर ये माना है और ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसका मतलब हमारा एक्स वन जो है दैट शुड सेटिस्फाई विच इक्वेशन, एक्स डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ टी अपॉन एम, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो हम इसको रख देते हैं, तो एक्स डॉट की जगह कितना जाएगा, एक्स वन डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वन इज इक्वल टू एफ टी अपॉन एम। अच्छा, कैपिटल एफ टी का एक्सप्रेशन हमने नहीं देखा, कैपिटल एफ कौन सा फोर्स होना चाहिए जो हम बाहर से लगा रहे हैं, और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का सपोर्ट करना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा है, ए कॉस गामा टी सॉरी ए कॉस ओमेगा टी प्लस एल्फा, तो हमारा जो फोर्स होना चाहिए क्योंकि वो इसी के इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसको सपोर्ट करेगा, तो ए की जगह हम हमारे फोर्स का एम्पलीट्यूड मान लेते हैं, हमारा जो फोर्स है वो मान लीजिए कितना है, स्मॉल एफ है, कॉस की जगह कॉस ही आएगा, लेकिन हमारा फोर्स क्योंकि एक्स तो क्या है ओमेगा क्या है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी, हमने जो फोर्स लगाया उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, गामा है, क्योंकि हमने एक्स वन पी आई में क्या माना है गामा, तो हमें लेना पड़ेगा गामा टी प्लस बीटा, ये हमारा फोर्स होगा। चलिए एक्स वन डबल डॉट करो, एक्स वन की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स वन आपका है बी कॉस गामा टी प्लस बीटा, तो इसका दो बार डिफ्रेंसिएशन करो, एक्स वन के ऊपर डबल डॉट लगाओ, कॉस का एक बार डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, फिर माइनस साइन का कितना हो जाएगा माइनस कॉस ही हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन एक बार आ जाएगा, और एक बार करोगे तो गामा बाहर, दो बार ही करोगे तो दो बार गामा बाहर, तो गामा इस पर आ जाएगा और कॉस का वापस कॉस ही मिल जाएगा, ये तो हो जाएगा एक्स वन डबल डॉट, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें मिलेगा माइनस का बी गामा स्क्वायर कॉस गामा टी प्लस बीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक्स वन की वैल्यू, एक्स वन कितना है बी कॉस गामा टी प्लस बीटा इज इक्वल टू कैपिटल एफ की वैल्यू क्या है, एफ कॉस गामा टी प्लस बीटा अपॉन एम, कॉस 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 कैंसल आउट, क्या बच रहा है आपके पास, बच रहा है अगर मैं बी कॉमन ले लूं तो ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर तो एलएचएस में बच रहा है, और स्मॉल एफ अपॉन एम लेफ्ट साइड में, तो बी की वैल्यू आ गई और वही हम निकालना चाह रहे थे, एम ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। अब देखिए ये बी की वैल्यू है, मैं बता देती हूँ आपको, तो यहाँ 22.2 तक हम कर चुके थे, ठीक है, एफ हमने ये मान लिया था, ठीक है, और एक्स हमारा कितना था, हाँ ये हमने अभी भी निकाला है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू निकल गई, अब हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ करता था, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एक्स वन था, एक्स नॉट कितना था ए कॉस ओमेगा टी प्लस एल्फा, और एक्स वन कितना था बी कॉस गामा टी प्लस बीटा, जिसमें बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस एल्फा प्लस बी की वैल्यू यहां से पुट कर दो, एफ अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर कॉस गामा टी प्लस बीटा, लेट मी शो यू कि एक्स का फाइनल एक्सप्रेशन यही है, ये देख लीजिए 22.4 यही है, ठीक है, जो हमने अभी भी लिखा है, और अब हम क्या करेंगे, यस, अब देखो इम्पोर्टेंट चीज कहाँ क्या है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, सॉल्यूशन 22.4 इज नॉट वैलिड व्हेन रेजोनेंस अकर्स, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस होता है कि जब आपने जो फोर्स लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो जाए, अगर ये इक्वल हो जाती है तो उसको बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन, वो तो ये सॉल्यूशन वैलिड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होगा कि ओमेगा जो है वो गामा के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही ओमेगा गामा के बराबर होगा ये सेकंड वाले टर्म में नीचे वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है इन्फिनिटी, आपका एक्स जो है वो इन्फिनिटी को चला जाएगा, और जो एक्स है वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, हमें ऑसिलेशंस करवाने हैं, ऑसिलेशन में पार्टिकल कभी भी इन्फिनिटी पे जाता ही नहीं है, इसका मतलब रेजोनेंस पे हमारा ये सॉल्यूशन वैलिड नहीं आ रहा है, तो रेजोनेंस पे इसकी वैलिडिटी को मेंटेन करने के लिए हम एक मैथमेटिकल मेथड यूज करते हैं, क्या करेंगे देखो, तो हम क्या करेंगे टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन इन दिस केस, इन दिस केस यानी रेजोनेंस वाले केस में हमें सॉल्यूशन वैलिड बना बना रहे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे एक्सप्रेशन को 0/0 फॉर्म में लेके आते हैं, अभी हमारा 0/0 फॉर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी ऊपर वाला टर्म जीरो नहीं हो रहा है ना, ओमेगा बराबर गामा पे ये जीरो नहीं हो रहा, ये जीरो नहीं हो रहा, सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो समथिंग विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, मान लीजिए एक्स वाई जेड में कुछ भी रख दो वाई अपॉन जीरो, अभी तो हमारा टर्म ऐसा बन रहा है, हम इसको चाहते हैं 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जब 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लॉपिटल रूल लगा लेंगे, है ना, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन अपॉन नीचे का डिफ्रेंसिएशन, जो कि हमने मैथ्स के अंदर पढ़ा है, जैसे आप कई बार एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हो, तो लॉपिटल रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो देखो 0/0 करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्स है
हमारा जो एक्स है वो एक्चुअल में क्या था, 22.4 में था, उसको हम क्या करेंगे, ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा को तो ऐसे का ऐसे रहने दिया, प्लस एफ बाय एम ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर के साथ में क्या है, कॉस गामा टी प्लस अल्फा। इस गामा टी प्लस अल्फा में हमने क्या किया, एक टर्म को माइनस कर दिया और वो कौन सा है, कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा। अब इस टर्म को हमने माइनस सिर्फ इसलिए किया है ताकि हमारा एक्सप्रेशन 0/0 फॉर्म में आ जाए, पर क्या ये 0/0 फॉर्म में आ गया, लेट्स चेक। तो एक्स इज इक्वल टू नया एक्सप्रेशन हमारा है, ओमेगा टी प्लस अल्फा के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी, प्लस एफ अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, इधर हमारा था कॉस गामा टी प्लस बीटा माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा। अब देखिए, अब इसमें रखो रेजोनेंस वाली कंडीशन, ओमेगा इज इक्वल टू गामा, जब ये रखोगे तो नीचे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, और गामा इज इक्वल टू ओमेगा में, यानी यहाँ पे मैं ओमेगा रख दूं तो ये भी हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा, ये भी हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा, जीरो आ जाएगा। तो ये हमारी यस, अब हमारी कौन सी फॉर्म आ रही है, 0/0। तो हम डिस्प्लेसमेंट का ये एक्सप्रेशन लेके आगे चलेंगे क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, और जब ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है तो हम यहाँ पे लगाएंगे लॉपिटल रूल, ठीक है। और उसमें क्या होता है, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का भी कर दो, तो हमारे, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें दुख नहीं दे रहा है, फर्स्ट टर्म हमें तकलीफ नहीं दे रहा है, तो फर्स्ट फर्स्ट टर्म को मत छेड़ो, उसे मत परेशान करो, तो उसे हम एज इट इज लिखेंगे। प्लस अब इसमें हम लगाएंगे ऊपर वाले डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा, ये है डिनोमिनेटर, और न्यूमिनेटर क्या है हमारा, ये है, दोनों में अलग अलग करना है, तो ऊपर तो हमें मिलेगा एफ। अब यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएशन हम करेंगे ओमेगा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम ओमेगा की जो वैल्यूज है वो चेंज करते जा रहे हैं, और जब वो ओमेगा की वैल्यू गामा के इक्वल हो गई थी तो उस वक्त हमारे पास क्या हो रहा है, रेजोनेंस आ गया, तो ओमेगा के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो नीचे वाले का क्या होगा, अगर ओमेगा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो एम तो एज इट इज आएगा, ओमेगा स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 ओमेगा, और गामा का कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी क्योंकि पहले टर्म में तो गामा है, अगर इसका गामा है तो गामा का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, केवल इसका करना पड़ेगा माइनस कॉस ओमेगा टी का, तो माइनस का हम डिफरेंशिएशन करना है, और कॉस लगा हुआ है, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन, तो एक माइनस तो यहाँ लगा हुआ है, एक डिफरेंशिएशन से आ जाएगा, इसका हमें मिलेगा ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बीटा। लेट मी चेक, यस। तो अच्छा, ओके ओके, हमने ओमेगा के रेस्पेक्ट में किया है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने टी के रेस्पेक्ट में नहीं किया है, हमने ओमेगा के रेस्पेक्ट में किया है। अगर ओमेगा के रेस्पेक्ट में होगा तो हमारे पास क्या, तो सॉरी हाँ, हमें ओमेगा के, हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, ओमेगा के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा का कोफिशियंट आएगा, और ओमेगा कोफिशियंट कितना है, टी है, तो यहाँ पर टी आएगा, सॉरी हाँ, तो ये हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएशन से, तो फाइनल हमारा एक्स ये आ जाएगा। अब हमारी दिक्कत नहीं है क्योंकि अब आप रेजोनेंस पे करो, ओमेगा इक्वल टू गामा पे डाइवर्ज नहीं हो रहा है, कोई टर्म हमें जीरो नहीं मिल रही है, कोई टर्म इन्फिनिटी नहीं मिल रही है, हमें एक्स फाइनाइट मिल रहा है, तो ओमेगा इक्वल टू गामा पे हमारा ये आ गया, ये फर्स्ट टर्म था एफ अपॉन 2 एम ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस बीटा, ठीक है। नाउ 22.5 क्लियर हो चुका है, अब क्या कर रहे हैं हम, रेजोनेंस के आसपास में इसका बिहेवियर देखते हैं, यानी कि हमारे पास गामा की रेजोनेंस हमारे पास किसके किस पे आ रहा है, रेजोनेंस पे हमें ओमेगा इक्वल टू गामा है, या फिर लिख सकते हैं गामा इक्वल टू ओमेगा। अब क्या करते हैं, हमारा जो फोर्स है सपोज उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, गामा रख रहे हैं, अब हम फोर्स को थोड़ा सा कम ज्यादा करते हैं, फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि फोर्स तो हम बाहर से लगा रहे हैं तो हम ज्यादा भी दे सकते हैं कम भी दे सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर सकते हैं, तो फिलहाल रेजोनेंस पे हमने जो हमारी फ्रीक्वेंसी रख रखी है वो ओमेगा के बराबर रख रखे हैं, तो चलो हम अब क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी जो गामा की वैल्यू है जो कि ओमेगा के बराबर आ रही है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और हमारे फोर्स की फ्रीक्वेंसी हम कितनी कर देते हैं, ओमेगा प्लस गामा, तो हम रेजोनेंस से तो हट गए क्योंकि रेजोनेंस गामा पे था, सॉरी ओमेगा पे था, अब हम हट चुके हैं, यानी हम रेजोनेंस से थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए हैं, तो लेकिन ये एप्साइलन की कंडीशन है कि हम रेजोनेंस के बिल्कुल पास में हैं, इसलिए इस क्वांटिटी को छोटा रखना पड़ेगा, तो ये दो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। दो कंडीशन अप्लाई करने से हमें क्या मिल रहा है, तो गामा इज इक्वल टू लेट अस ऑल्सो सर्टेन इन द नेचर ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन नियर रेजोनेंस, रेजोनेंस के पास में है गामा, ये है एप्सिलॉन इज अ स्मॉल क्वांटिटी, वी पुट द जनरल सॉल्यूशन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो इस कंडीशन में हम जो सॉल्यूशन रखेंगे वो हम किस में रखेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखने के लिए बात वही है यार, आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा था उसमें आपके पास क्या आ रहा था, ए कॉस ओमेगा टी प्लस एल्फा, एक फंक्शन ये आ रहा था, दूसरा आपका एफ अपॉन समथिंग समथिंग आ रहा था, और यहाँ पे साइन का भी आ रहा था,
आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा था, साइन का भी फंक्शन आ रहा था, लेकिन उसमें गामा था। आपके पास साइन वाले फंक्शन में कितना था, सॉरी दूसरे फंक्शन में, हम नियर द रेजोनेंस कर रहे हैं ना, तो अब हम रेजोनेंस से हट चुके हैं, तो हम अच्छा ओके अब हम रेजोनेंस से हट चुके हैं तो बिना रेजोनेंस वाला सॉल्यूशन लो। बिना रेजोनेंस वाले सॉल्यूशन में हमारे पास क्या हो रहा था, ये रहा 22.4। ध्यान रखो अब हम रेजोनेंस से हट चुके हैं तो बिना रेजोनेंस वाले सॉल्यूशन में हमें क्या मिल रहा था, एक टर्म मिल रहा था जिसमें कॉस ओमेगा टी का टर्म है, एक टर्म मिल रहा था जिसमें कॉस गामा टी का टर्म है। एम्पलीट्यूड अभी भूल जाओ, सिर्फ इस पे फोकस करो कि कॉस ओमेगा टी है, यहाँ पे कॉस गामा टी है। तो अगर एक्सप्रेशन में लिखोगे तो पहला टर्म जो आना चाहिए ई की पावर आई ओमेगा टी आना चाहिए, और दूसरे में आना चाहिए ई की पावर आई गामा टी में, करेक्ट। इसके साथ कोई एम्पलीट्यूड लगा देंगे, इसके साथ लगा देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारा रेजोनेंस के पास में जनरल सॉल्यूशन होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी हो जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल आई गामा टी है, जहां पर गामा की वैल्यू कितनी रख दी है, ओमेगा प्लस एक्सपाइन, यानी ये गामा ही था, और आई ओमेगा टी के साथ हमने कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड रख दिया, और इसके साथ में भी हमने कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड। अब ये कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड क्यों है, ये मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास यहाँ पर कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा है, तो आपने एक्सपोनेंशियल में केवल आई ओमेगा टी लिया, यानी कि एक्सपोनेंशियल का आई अल्फा कहीं ना कहीं गया है, तो वो जाके इसके साथ मिला है, इसलिए कैपिटल ए तो हमारा होगा ए ई की पावर आई अल्फा। वैसे ही हमारा बी जो है इसके अंदर जाएगा, तो बी को हम लिखेंगे स्मॉल बी ई की पावर आई बीटा। क्यों, क्योंकि दूसरे वाले में था कॉस गामा टी प्लस बीटा, और साथ में यहाँ पर था भी हुआ करता था, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमने कॉस गामा टी तो ले लिया है ना, ई की पावर आयोटा गामा टी तो हम ले रहे हैं, ई की पावर आयोटा बीटा नहीं लिया, तो उसका इंक्लूड कर दो इसके अंदर। तो कैपिटल ए भी हमारा कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड हो गया, और कैपिटल बी भी हमारा कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड हो गया, तो एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब इन दोनों के अंदर से एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी और आई ओमेगा टी आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास यही बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं सी जो है वो हमारे पास इस पूरे फंक्शन का एम्पलीट्यूड है, यानी सी जो है वो किससे दिया जाएगा, इस एक्सप्रेशन से। मान लीजिए सी जो है इस क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड है, अगर सी इस क्वांटिटी का सिर्फ एम्पलीट्यूड है तो क्या हम सी का एक्सप्रेशन ये लिख सकते हैं, बता देती हूँ कैसे। हमारे पास एक्स क्या आया, हमारे पास एक्स आया है ए प्लस बी एक्सपोनेंशियल आई एप्साइलन टी और साथ में ई की पावर आई ओमेगा टी, ये हमारा एम्पलीट्यूड वाला पार्ट मान लेते हैं, तो इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी ई की पावर आई एप्साइलन टी। ध्यान रखिए ए आपका है ए ई की पावर आई अल्फा, बी आपका है बी ई की पावर आई बीटा, मैग्नीट्यूड हमें लेना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, सी का स्क्वायर कर देते हैं, सी का स्क्वायर क्या होगा, मोड ऑफ ए प्लस बी ई की पावर आई एप्साइलन टी का स्क्वायर। कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का जब स्क्वायर लेते हैं, जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई है, अगर इसका मोड का स्क्वायर लेते हैं तो क्या करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई को एक्स माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हमें सबसे पहले तो इसका एक्चुअल वैल्यू लेनी है जो कि ए प्लस बी e की पावर आई एप्साइलन टी हो जाएगा, और फिर हमें इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, तो ए की जगह आ जाएगा ए स्टार क्योंकि इसमें आयोटा है, और बी की जगह आ जाएगा बी स्टार क्योंकि इसमें भी आयोटा है, और एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट में जहां प्लस आयोटा है वहां माइनस आयोटा आ जाएगा क्योंकि हमें लेना है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके चलिए अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे करेंगे तो आपका ए ए स्टार हो जाएगा, ठीक है, और आपका कितना आ जाएगा प्लस, इसी को मैं इससे कर रही हूँ सेकेंड वाले से, तो ये हो जाएगा ए बी स्टार ई की पावर माइनस आई एप्साइलन टी प्लस बी ए स्टार ई की पावर आई एप्साइलन टी प्लस बी इंटू बी स्टार। ए और ए स्टार कितना हो जाएगा आपका, ए कितना है ए ई की पावर आई अल्फा, ए स्टार का मतलब उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो कि हो जाएगा माइनस आई अल्फा, प्लस ए ई की पावर आई अल्फा, बी का स्टार लेना है तो वो माइनस का आयोटा बीटा आएगा, ठीक है, और ई की पावर आई एप्साइलन टी आ जाएगा, प्लस बी कितना है बी ई की पावर आयोटा बीटा, ए स्टार कितना है माइनस आई अल्फा आ जाएगा, प्लस बी ई की पावर आई बीटा बी ई की पावर माइनस आई बीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, इससे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से बी स्क्वायर आएगा, उसको पहले लिख लेती हूँ। अब इन दोनों को अंदर देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, ए बी दोनों में कॉमन है, ठीक है, और यहां पर क्या बच रहा है ई की पावर आयोटा अल्फा माइनस बीटा माइनस एप्साइलन टी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा माइनस बीटा माइनस एप्साइलन टी। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ई की पावर शिट क्या था यार, यहाँ पे आई एप्साइलन टी था, हाँ
ये मैंने मिस कर दिया ना, आप देख लीजिएगा ये आ चुका है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये देखिए एक बार, इस पूरे को थीटा मान लो एक बार, तो ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 cos थीटा। हमें पता है ना ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा बाय 2 होता है cos थीटा, तो 2 को उधर लिखो 2 cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा होता है 2 cos थीटा, तो ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा की जगह आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा माइनस एप्साइलन टी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, तो इसमें अल्फा पॉजिटिव है बीटा एप्साइलन टी नेगेटिव है। मैं उल्टा भी लिख सकती हूँ, उल्टा लिखने का मतलब है 2ab cos बीटा प्लस एप्साइलन टी माइनस अल्फा लिखा जा सकता है इसको, ये हमारा है सी स्क्वायर। अब ये वाला एक्सप्रेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा 22.7, ठीक है, तो सी स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हाँ ऑब्वियसली बात है ये जो सी जो है, क्योंकि वो सी हमारे पास किसके इक्वल आया, अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी करें और ए प्लस बी करेंगे तो सी जो है उसके बीच की वैल्यू होगी, क्यों होगी, यहां से देख लो, सॉरी हमारे पास सी सी स्क्वायर कितना आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of something something, something something है तो cos of something something की वैल्यू मान लीजिए -1 है, जब -1 होगी तो आपका सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, विच इज नथिंग बट सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, करेक्ट। और जब cos of something something की वैल्यू +1 होगी तब आपका सी आ जाएगा ए प्लस बी, और इन दोनों के बीच में जब वैल्यू रहेगी तो सी की वैल्यू क्या रहेगी, ए माइनस बी से तो बड़ी और ए प्लस बी से छोटी, तो ये वाली जो कंडीशन है वो यहाँ लिख रखी है, ठीक है, इसे हम बीट्स बोलते हैं, वो अपनी अपने काम का नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं रीराइटिंग द इक्वेशन एज 22.2 इक्वेशन को वापस से लिखना है, इक्वेशन 22.2 में लिख देती हूँ एक बार, क्या थी इक्वेशन 22.2 थी एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ टी अपॉन एम, ये इक्वेशन 22.2 थी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी एक्स डॉट प्लस आई ओमेगा एक्स माइनस आई ओमेगा एक्स डॉट प्लस आई ओमेगा एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ अपॉन एम, कैसे इसको सॉल्व करो, सबसे पहले डी बाई डी टी इस पे जाएगा तो ऑलरेडी एक डॉट लगा हुआ है, एक बार और डी बाई डी टी जाएगा तो एक्स का डबल डॉट हो जाएगा, प्लस आई ओमेगा ये डी बाई डी टी इस एक्स पे जाएगा तो एक्स का सिंगल डॉट दे देगा, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो आई ओमेगा एक्स डॉट और इस माइनस को इधर करो तो आई आयोटा ओमेगा और आयोटा ओमेगा, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बाय एम, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर क्यों आएगा, एक्स ही तो आएगा, हाँ सिंगल ही तो है, तो यहाँ पे और ये वाली इक्वेशन ये रही तो उसको लिख सकते हैं, तो हम ये वाली इक्वेशन लेके चलेंगे, ये वाली लेके चलेंगे, ठीक है, तो हम लेके चलेंगे डी बाई डी टी एक्स डॉट प्लस आई ओमेगा एक्स माइनस आई ओमेगा एक्स डॉट प्लस आई ओमेगा एक्स इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। मान लीजिए इस पूरी क्वांटिटी को मैं जाई से रिप्रेजेंट करती हूँ तो हमारा एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, डी जाई बाई डी टी माइनस आई आयोटा ओमेगा जाई इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, जहां पर जाई हमने क्या रखा है एक्स डॉट प्लस आयोटा ओमेगा एक्स। अब ये जाई वाला एक्सप्रेशन मैं दिखा देती हूँ एक बार, तो ये हमने लिखा है, हमें इक्वेशन आ जाएगी 22.8 जो हमें भी मिल चुकी है, ठीक है, सो 22.8 तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है, जाई हमने भी रख लिया है, 22.9 भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इट्स अ सॉल्यूशन व्हेन द राइट हैंड साइड इज रिप्लेस्ड बाय जीरो इज गिवन बाय दिस, ये कह रहा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिली है कौन सी वाली, ये वाली, इसका सॉल्यूशन जबकि आरएचएस को जीरो से रिप्लेस किया जाए, आरएचएस कौन सा है ये, तो जब आरएचएस को जीरो से रिप्लेस किया जाएगा तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देख लेते हैं, आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू जीरो है ना, आरएचएस को जीरो से रिप्लेस करना है तो हमें क्या मिलेगा, डी जाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा जाई, जाई को नीचे लेके आ जाओ तो डी जाई अपॉन जाई इज इक्वल टू आई ओमेगा डी टी, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो तो डी जाई अपॉन डी एक्स बाई एक्स कितना होता है एल एन एक्स, तो एल एन जाई इज इक्वल टू आई ओमेगा टी प्लस सम कॉन्स्टेंट आएगा, अब वो कॉन्स्टेंट को हम कुछ भी ले सकते हैं, तो मेरे कन्वीनियंस के लिए मैंने वो कॉन्स्टेंट मान लिया एल एन जाई नोट, एल एन जाई नोट मान लिया, तो इसको इधर लेके आओ तो एल एन
ए माइनस एल एन बी को क्या लिख सकते हैं, एल एन ए बाई बी, तो ये हो जाएगा जाई बाय जाई नोट इज इक्वल टू आई ओमेगा टी। इसे क्या आप क्या लिख सकते हो, जाई बाय जाई नोट, एल एन को दूसरे साइड भेजो तो एक्सपोनेंशियल हो जाता है, एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी। यहां से आप जाई की वैल्यू निकालो, कितना मिल रहा है आपको, जाई नोट ई की पावर आई ओमेगा टी। अब इस जाई नोट को मान लीजिए हम रिप्लेस करते हैं कैपिटल ए, और मान लीजिए वो टाइम का फंक्शन है, तो टी ई की पावर आई ओमेगा टी, तो हमारा जाई कितना आ जाता है देखिए। अच्छा ए को अभी तक नहीं माना, ये रहा, ये देखिए जाई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी पी विद कॉन्स्टेंट ए, ठीक है। इन होमोजीनियस फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, देखो हमने ये सॉल्यूशन कब लिया था, जब हमने आरएचएस को यानी कि हमने एफ टी बाई एम को जीरो माना था, तब हमें ये सॉल्यूशन मिला था। यहाँ पर जाई नोट टाइम पे डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन अगर हम आरएचएस को कंसीडर करते हैं तो भी हमें सॉल्यूशन इसी फॉर्म में मिलेगा, लेकिन उस वक्त हमें यहाँ पर जो हमने जाई नोट लिया है, यहाँ हमें कांस्टेंट की बजाय एक ऐसा टर्म मिलेगा जो टाइम का फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आरएचएस के अंदर टाइम था और हमने आरएचएस को हटा दिया, तो आरएचएस को अगर नहीं हटाते तो सॉल्यूशन ऐसा का ऐसा ही मिलता, बस ए जो है वो टी का फंक्शन हो जाता। यही लाइन यहाँ लिखी हुई है कि वी सी का सॉल्यूशन ऑफ द इनहोमोजीनियस इक्वेशन इन द फॉर्म, तो हमें जाई जो है वो इस तरह का मिल जाएगा। ओके नाउ ए टी हमें निकालना है, ऑब्टेनिंग फॉर द फंक्शन ए टी द इक्वेशन ए डॉट इज इक्वल टू एफ एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी बाय एम। ये इक्वेशन कैसे आएगी भाई, ये वाली इक्वेशन कैसे आएगी, ए डॉट, ये वाली ए डॉट इज इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन देखते हैं कैसे आएगी। तो ये इक्वेशन कैसे आएगी, हमें एक इक्वेशन मिली थी डी जाई बाई डी टी माइनस आयोटा ओमेगा जाई इज इक्वल टू कैपिटल एफ बाई एम। आप वीडियो को बैक करके देखिएगा, ये इक्वेशन हमें मिलेगी, और जाई हम निकाल चुके हैं, जाई हमें मिला है ए टी एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, जाई की वैल्यू यहां पर रखते हैं, तो डी बाई डी टी ए टी ई की पावर आई ओमेगा टी माइनस आई ओमेगा ए टी एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी इज इक्वल टू मिल रहा है एफ अपॉन एम। एफ टी का फंक्शन ध्यान रखना, दो फंक्शन है टाइम के, एक को कांस्टेंट करो, दूसरे का करो, दूसरे को कांस्टेंट करो। सबसे पहले मैं इसका कर देती हूँ, इसका कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, ए डॉट, ठीक है, उस टाइम पे एक्सपोनेंशियल को मत छेड़ो, फिर इसको एज इट इज रख लो और एक्सपोनेंशियल का कर दो। एक्सपोनेंशियल का कितना हो जाएगा, आई ओमेगा ई की पावर आई ओमेगा टी माइनस आई ओमेगा, अब ये वाला टर्म लिख रही हूँ, ए टी एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तीनों एल एच एस में एक्सपोनेंशियल 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 तीनों में से कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेज दो, तो कितना मिलेगा, ए डॉट टी प्लस आई ओमेगा। अच्छा सॉरी, क्यों भेजना है इसको और इसको, कैंसिल आउट करो ना, ये सेम ही तो है, यस ये सेम है, तो हमारा ए डॉट किसके बराबर आ जाएगा, ए डॉट ई की पावर आई ओमेगा टी विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम। यहां से ए डॉट की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, एफ अपॉन एम ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, और यही एक्सप्रेशन उसने लिख रखा है, दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पर ये लिख रखा है, ये यहाँ पे जो हमने अभी अभी डिराइव किया है, ठीक है। इंटीग्रेशन गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ 22.9, 22.9 का इंटीग्रेशन करने से हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले 22.9 लिखो, ठीक है, इंटीग्रेशन से हमें 22.9 का सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन किसका करना है, ये बोल रहा है इसी का इंटीग्रेशन करो जो ए डॉट वाली इक्वेशन मिली है, चलो रखते हैं। सो बेसिकली हमें ए डॉट ये मिला है, ए डॉट का लिख सकते हो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा टी। क्या करेंगे, डी ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी डी टी, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो, तो इधर मिल जाएगा ई ए हो जाएगा, और इधर हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन एफ अपॉन एम एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी डी टी प्लस सम कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मान लीजिए जाई नोट। अच्छा ये जाई नोट यहाँ लगेगा, उधर वाला कॉन्स्टेंट आप कुछ और ले लीजिएगा, है ना, उधर वाला कॉन्स्टेंट कुछ और ले लीजिएगा, ये जाई नोट जो ऊपर लिया ना हमने, वहां पर कुछ ए नोट कर लेना आप, क्योंकि जाई नोट बुक में यहाँ लिया हुआ है, तो जाई नोट अपन यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें ए मिल चुका है, ए मिलने के बाद हम क्या करेंगे, ए मिलने के बाद हम निकालेंगे जाई, तो जाई हमने क्या माना था, जाई हमारा था ए टी एक्सपोनेंशियल, ये टी है ध्यान रखना, टी का फंक्शन ही चल रहा है इसीलिए यहाँ पे टाइम के साथ हुआ है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, जाई हमारा था ए टी एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी। ये कब था बता देती हूँ, ये कब था भाई, जाई शुरू में कहाँ रखे थे हम, जाई हमने क्या माना था, इतना ऊपर नहीं था यार जाई, है ना, जाई नीचे था,
हाँ ये रहा ना, मैं इतना ऊपर क्यों गई, ये देखो ये रहा, ये वापस लिख रही हूं मैं, जाई इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, ये रहा ठीक है, जाई इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल, और आप चाहो तो ये वाला भी देख सकते हो, ये रहा इसमें टी का फंक्शन में लिखा हुआ है, हम ये वाला ले लेते हैं ठीक है, क्योंकि वो तब था जब आरएचएस को जीरो कंसीडर किया, ये तब था जब आरएचएस को नॉन जीरो कंसीडर किया, क्योंकि आरएचएस एफ बाय एम है, तो जाई हमें ये मिल रहा है, इसमें हम ए की वैल्यू लिखेंगे जो हमें अभी मिली है, तो ए की वैल्यू हम ऊपर से उठा के इसमें रख देंगे, तो हमारा जाई कितना आ जाएगा, पहले ये वाला फैक्टर लिख लेती हूँ, अब वो पूरा डाल देते हैं वैल्यू, इंटीग्रेशन एफ अपॉन एम माइनस आई ओमेगा टी डी टी प्लस जाई नॉट, ठीक है ये हमारा जाई आ चुका है। अब अगर क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन की जो लिमिट है, क्योंकि हम ये कांस्टेंट जब लगाते हैं वो तब लगाते हैं जब हम लिमिट अप्लाई नहीं करते थे, अगर हम अपर और लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये जो है डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, टी के रेस्पेक्ट में है, अगर हम मान लीजिए इनफाइनाइट टाइम तक वेट करते हैं तो इसकी जो लिमिट है, मान लीजिए अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाता है तो हमें ये जाई नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में जो जाई मिलता है, सपोज हम जाई इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करें तो वो हमें मिलेगा आई ओमेगा टी, और अब हमें लिमिट लगानी पड़ेगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ अपॉन एम एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी डी टी, दैट्स इट, जाई नोट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसका मोड का स्क्वायर लू तो ध्यान रखना इसका मोड का स्क्वायर तो वन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मोड का स्क्वायर में होता है एक आपको फंक्शन लेना होता है और उसको मल्टीप्लाई करना होता है उसी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, तो वन हो जाएगा, और इधर आपके पास ये इंटीग्रेशन है तो इसको डायरेक्टली स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो मोड लगा दिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ अपॉन एम एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी डी टी, और ये मोड के ऊपर लग गया स्क्वायर, ठीक है ये मैंने जाई का स्क्वायर किया है, क्यों किया है अभी बताती हूँ, हमारा नेक्स्ट टास्क है एनर्जी निकालना, पहले ही बता देती हूँ, जाई इन्फिनिटी तो जाई हमारा ये आया था करेक्ट, उसमें जाई नोट था, फिर हमने क्या किया लिमिट को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कर दिया, तो हमारे पास जाई नोट का स्क्वायर ये आ गया, क्योंकि यहाँ नीचे एफ था ना, उस एफ को स्क्वायर को बाहर निकाल के अलग से लिख दिया, ये हम कर चुके हैं यहाँ पे ठीक है। एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये होता है, ये बताया था थोड़ी देर पहले कि ई जो होता है वो 1/2 m x dot square प्लस 1/2 kx square है, मान लीजिए तो हमारा था 1/2 m एक्स डॉट स्क्वायर के अंदर हमने रखा था एज इट इज, और k को हमने रखा था m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एनर्जी के एक्सप्रेशन में हम लिख लेते हैं m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और हमने जाई को क्या रखा है, जाई हमारा क्या था, जाई हमारा था, जाई क्या था यार, जाई हमारा था x प्लस आयोटा ओमेगा x डॉट प्लस आई ओमेगा, अगर मैं मोड ऑफ जाई निकालू, मोड ऑफ जाई का स्क्वायर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा x डॉट, इसका मोड का स्क्वायर कितना होता है, एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, एक्स प्लस आयोटा का मोड का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो होता है, तो ये आ जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर राइट, एक्स डॉट स्क्वायर यहाँ डॉट आएगा, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यस, तो इसको आप क्या लिख सकते हो मोड ऑफ जाई का स्क्वायर, तो 1/2 m मोड ऑफ जाई का स्क्वायर, और क्योंकि हम इनफाइनाइट टाइम तक ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें इस जाई की जगह कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, जाई इन्फिनिटी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, और जाई इन्फिनिटी वाली वैल्यू अभी अभी आपने ली है वो यहाँ पर रख देते हैं, तो वो हमारे पास थी इंटीग्रेशन एफ बाय एम ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी डी टी और इसका स्क्वायर, यह आ जाएगा एम स्क्वायर को बाहर निकाल दो, ये एम स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो 2m आ जाएगा मोड ऑफ इंटीग्रेशन एफ ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी डी टी और इसका स्क्वायर, ये हमारी एनर्जी आएगी, मैं एक बार दिखा देती हूँ कि मिल रही है क्या नहीं, यस एनर्जी हमें ये मिल गई, फिर हमने उसके अंदर वैल्यू पुट करी, ये रही एनर्जी ठीक है। अगर इसमें भी आगे मान लीजिए एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर बहुत छोटा हो जाए, और ये कब छोटा होगा, अगर अगर इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ओनली ड्यूरिंग अ टाइम वेरी शॉर्ट ई की पावर आई ओमेगा टी में, ये कह रहा है कि अगर जो हमने जो फोर्स लगाया है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, बहुत कम टाइम के लिए ऑपरेट होता है, तो आपका टी जो है वो काफी कम हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका ये फैक्टर जो है उसको हम नियरली इक्वल टू वन ले लेंगे, वन क्यों लिया है, क्यों टी इक्वल टू जीरो करो तो ई की पावर जीरो हो जाएगी और कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, उस कंडीशन में एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन को भी हटा दो तो ये वाले फंक्शन को भी वन कर दो, तो कितना आ जाएगा केवल एफ डी टी का स्क्वायर, ये रहा ये आपके एनर्जी का एक्सप्रेशन है।
फोर्स ऑसिलेशन में, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। दैट्स इट, ये हमारा था फोर्स ऑसिलेशन। नेक्स्ट है हमारा जो आपके सिलेबस में है, मैं उसी अकॉर्डिंग टॉपिक्स ले रही हूँ, है ना, क्योंकि नॉर्मली ये बुक सारी यूनिवर्सिटीज में फॉलो नहीं होती है, मैक्सिमम जगह क्लासिकल की गोल्डस्टाइन हो रही है, फिर जेसी उपाध्याय, ठीक है, जेसी उपाध्याय की लैंग्वेज अच्छी है। डैम्प्ड ऑसिलेशन कर, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल अभी नहीं करेंगे, मतलब ये वाला नहीं करेंगे, ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में। हाँ डैम्प्ड ऑसिलेशन देखो, डैम्प्ड ऑसिलेशन कर लेते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में सपोज आपका जो पेंडुलम है, उस पेंडुलम को आप हवा की बजाय स्विमिंग पूल के अंदर आपने लटका दिया, अगर स्विमिंग पूल में लटकाओगे और कुछ आपने डिस्टेंस देके छोड़ दिया, तो बहुत स्लोली स्लोली मूव करते ही जल्दी वापस रेस्ट पे आ जाएगा। जल्दी रेस्ट पे क्यों आया, क्योंकि पानी ने उसके ऊपर एक विस्कोसिटी का फोर्स या फिर फ्रिक्शन फोर्स कह लो, तो ऐसी मोशन जिसको मीडियम की वजह से कम कर दिया गया है, उसे हम डैम्पिंग बोलते हैं। और ये डैम्पिंग फोर्स कौन लगा रहा है, पानी लगा रहा है। तो ये डैम्पिंग फोर्स बाहर से भी आप दे सकते हो, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने पानी का लिया है, तो इस डैम्प्ड ऑसिलेशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे वैक्यूम में तो कोई फोर्स नहीं होगा, लेकिन अगर हमने वैक्यूम में लटकाया तब तो कुछ नहीं होगा, अगर हमने एयर पे भी लगाया तो एयर का रेजिस्टेंस होगा, पानी में लगाया तो पानी का रेजिस्टेंस होगा, इस तरह के फोर्स को हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं, तो इस बार हम उसको कंसिडर करेंगे, ओके। तो सबसे पहले जो जो फोर्स लगता है, पानी जो फोर्स लगाता है, तो इसे एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप स्विमिंग पूल में धीरे धीरे चलते हो, जब आप स्विमिंग पूल में धीरे धीरे चलते हो यानी आपकी वेलोसिटी कम होती है, तो आपको लगता है कि पानी आपको परेशान नहीं कर रहा है, पानी आपके ऊपर रेजिस्टेंस भी नहीं लगा रहा है, अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो आप आसानी से चल पाओगे, लेकिन जैसे ही आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे, आप दौड़ने लगोगे, दौड़ते टाइम पे आपको लगेगा पानी आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी जितनी ज्यादा आपकी वेलोसिटी होगी, पानी का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो उतना ही ज्यादा लगेगा, तो पानी का फ्रिक्शन फोर्स जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ऑल्सो। लेकिन जिधर आप भागना चाहते हो, सपोज आपकी वेलोसिटी इधर है, तो ये फोर्स उस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि उसको कम करने की कोशिश करता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाऊं के, तो के भी हो जाएगा, आगे नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि इस एफ की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी के ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ये देखिए एफ आर जो है वो हमने मान लिया, एफ आर इन्होंने कितना लिया है, एफ इन्होंने लिया है माइनस का साइन, अभी बता दिया था, जो मैंने के लिया है उसकी जगह इन्होंने अल्फा लिया है। इन्होंने के क्यों नहीं लिया, क्योंकि के बाय एम में ऑलरेडी के यूज हो चुका है, ठीक है, तो अल्फा, और वेलोसिटी की जगह क्या लिया है, एक्स डॉट। तो आपको आई होप ये एफ समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास कितना हो जाएगा, इक्वेशन कैसी आएगी, और ये अगेन हम जब फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं ना, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये एम ए कितना होता है, एम एक्स डॉट होता है, और ये एफ होता है सिस्टम पे लग रहे सारे फोर्स लिख दो। तो पहले तो कौन सा, हुक की वजह से कितना लग रहा था, माइनस के एक्स, तो माइनस के एक्स तो हुक लगाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स भी हमने देख लिया, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अल्फा एक्स डॉट, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास यहां पर आ जाएगी। तो एम एक्स डॉट प्लस का के एक्स इज इक्वल टू माइनस का अल्फा एक्स डॉट, या फिर यूं मत करो, तीनों एक साथ ले लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एम एक्स डॉट प्लस अल्फा एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये मिल जाएगा। m से डिवाइड कर दो, x डॉट प्लस अल्फा बाय m x डॉट प्लस k बाय m x इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं ये तो ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर, इसको भी नया नाम नाम दे देते हैं, तो सपोज अल्फा बाय m को हम बोल देते हैं 2 लैम्डा, ये मान लीजिए कितना है हमारे पास, 2 लैम्डा है, ठीक है। तो 2 लैम्डा x डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, लेट मी सी कि इन्होंने ऐसा ही रखा है क्या, यस, एक तो नया चीज करा है, के बाय एम को ओमेगा स्क्वायर नहीं लिया है, ओमेगा नॉट स्क्वायर लिया है, तो इस बार आप इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर मान लेना, ठीक है, तो यहाँ ये आ जाएगा। और दूसरा अल्फा बाय एम को 2 लैम्डा माना है, ये बिल्कुल हमारी तरह सही से हुआ है, तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी। यू कैन सी कि यहाँ पर एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन धराचार्य फॉर्मूले से होता है, तो माइनस बी, बी कितना है 2 लैम्डा, तो माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, a तो 1 ही है हमारे पास, तो इसमें कितना मिल रहा है, माइनस का 2 लैम्डा प्लस माइनस, यहां पर भी देखो 4 है, यहां पर भी 4 है, तो रूट के बाहर आएगा, तो रूट लग के बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, और रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2, इस 2 से ये 2 और ये 2, इसलिए हमने लैम्डा के आगे 2 फैक्टर लिया था, कारण हम नहीं चाहते थे डिनोमिनेटर में 2 रह जाए,
तो हमारा आसान हो गया ना। तो अगर आपको लगे कि अल्फा बाय एम को लेमडा ही ले सकते थे, 2 लेमडा क्यों लिया, तो वो 2 इसलिए लिया था ताकि यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाए। तो हमें सोल्यूशन मिल रहा है माइनस का लेमडा प्लस माइनस रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर माइनस ओमेगा रूट स्क्वायर। आई होप अपन को समझ में आ चुका है। तो यहां से देखो ये इक्वेशन हमें मिल चुकी थी, और फिर हमारे पास, हाँ, इन्होंने क्या किया है, एक्स को मान लीजिए कितना है, ई रेस टू पावर आर टी। एक्स हमारा क्या है, ई रेस टू पावर आर टी, माना ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, माना ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले एक लाइन मतलब बीच में छूट गई है, आंसर सही है हमारा, टेंशन मत लीजिएगा। एक्स डॉट प्लस 2 लैम्डा एक्स डॉट प्लस अल्फा एक्स नहीं ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। हमने क्या किया, लेट एक्स इक्वल टू ई की पावर आर टी इसका सॉल्यूशन है। अगर इसका सॉल्यूशन, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सबसे पहले यहां रखेंगे एक्स का डबल डॉट करो, तो डबल डॉट कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर ई की पावर आर टी प्लस 2 लैम्डा एक्स डॉट, डॉट कितना हो जाएगा, आर ई की पावर आर टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह कितना रखना है, ई की पावर आर टी इक्वल टू 0। तीनों में से कॉमन आ रहा है ई की पावर आर टी, तो वो कैंसिल आउट कर दो। सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा आर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0 हमारा हो जाएगा। और इसके अंदर धराचार्य फॉर्मूले से आर की वैल्यू निकालोगे तो कितनी मिलेगी, माइनस लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। मतलब जो हमने एक्स के साथ कर दिया था वो हमें एक्स के साथ नहीं करना था, वो हमें आर के साथ करना था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर हमारे पास आ चुका है। तो आर की 2 वैल्यूज हो गई, हमारा एक्स क्या था, इसका मतलब हमारा फाइनल सोल्यूशन जो कि पहले ये था, अब क्योंकि आर की 2 वैल्यू है, आर वन है हमारे पास ये, ठीक है, और आर टू हमारे पास ये, जब दो सॉल्यूशन होते हैं तो कंप्लीट या फिर जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, जनरल सॉल्यूशन फिर ये हो जाएगा, पहले कांस्टेंट के साथ पहला आ जाएगा और दूसरे कांस्टेंट के साथ दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। जनरली तो हमारे पास ये था ई की पावर आर टी, पर कांस्टेंट लगा के उनको ऐड कर दिया जाता है। तो एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा C1 ई की पावर R1 टी और C2 ई की पावर R2 टी, R1 और R2 ये होंगे। अब मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। तो यस, हमारे पास R12 की वैल्यू ये मिली थी 2। जनरल इक्वेशन हमने लिख दिया C1 e की पावर R1 t, C2 e की पावर R2 t। अब हमें 3 केसेस स्टडी करने हैं। 3 केसेस में क्या होता है, लो डैम्पिंग, हाई डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग। डैम्पिंग को यहाँ कौन रिप्रेजेंट करता है, डैम्पिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है लेमडा वाला फैक्टर। डैम्पिंग को यहाँ पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा मैंने आपको बताया क्या लेमडा कहाँ से आया, हाँ, डैम्पिंग को हमारा लैम्डा क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, क्योंकि देखो हमारा जो डैम्पिंग वाला फोर्स था वो क्या था, माइनस का अल्फा एक्स डॉट। तो ये अल्फा जो कांस्टेंट होता है, जितना ज्यादा होगा डैम्पिंग उतनी ज्यादा होगी, डैम्पिंग फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, और अल्फा बाय एम को हमने क्या माना है, 2 लैम्डा। अगर अल्फा बढ़ेगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा, और लैम्डा बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा। यानी कहीं ना कहीं हम लैम्डा को ये बोल सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू से हमें ये पता चल जाएगा कि डैम्पिंग फोर्स कितना लग रहा है, करेक्ट। और वो जो पार्टिकल था, वो जो हमारा पेंडुलम था, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम क्या ले रहे हैं, ओमेगा नॉट, और जो उस पर डैम्पिंग फोर्स लग रहा है वो कौन सा पैरामीटर बता रहा है, लैम्डा। तो अगर आपने लैम्डा को बढ़ाया नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, तो हो सकता है आपका पार्टिकल जल्दी रेस्ट पे आ जाए, और अगर आपने लैम्डा को घटा दिया ओमेगा नॉट से, तो काफी देर तक वो ऑसिलेशन करता रहेगा। इस बेसिस में 3 केसेस बन जाते हैं। पहला केस होता है लो डैम्पिंग, लो डैम्पिंग में लैम्डा को कम रखा जाता है ओमेगा नॉट से। क्रिटिकल डैम्पिंग, जिसमें लैम्डा को ओमेगा नॉट के लगभग बराबर माना जाता है। तीसरा होता है वेरी हाई डैम्पिंग, उसमें लैम्डा को ओमेगा नॉट से बहुत ज्यादा रखा जाता है। हम इस केस में सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो पहला केस हमारा कितना है, फर्स्ट केस है हमारा लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नोट। तो उस कंडीशन में आर का क्या स्थिति होगी, आर हमारा ये था प्लस माइनस रूट ऑफ ओमेगा नोट, सॉरी हमारा कितना था, हमारा यहाँ पे कितना है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट। अब देखो क्योंकि लैम्डा को आपने कम रखा है, अगर लैम्डा कम रहेगा तो रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो रही है, और रूट के अंदर की क्वांटिटी जब नेगेटिव होती है तो आयोटा आता है। तो इसे आप लिख सकते हो माइनस का आयोटा लैम्डा प्लस माइनस आयोटा रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। आयोटा कैसे आया, मैंने इसको क्या किया था, माइनस वन कॉमन ले लिया, तो अंदर से मेरे पास आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस, और इस माइनस आयोटा माइनस वन को मैंने क्या कर दिया, आयोटा। तो आर का जो वैल्यूज पहले रियल हो रही थी, अब इस केस में वो क्या हो गई, इमेजिनरी, हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आ गए। तो आर वन क्या हो जाएगा, आर वन हमारा ये हो जाएगा प्लस आयोटा, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का लेमडा
प्लस माइनस आयोटा ओमेगा। अब ओमेगा क्या है, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू नथिंग बट रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, यानी इस क्वांटिटी को हमने रख दिया ओमेगा ताकि लंबा चौड़ा बार बार ना लिखना पड़े। तो प्लस आयोटा ओमेगा तो आर वन हो जाएगा, और आर टू कितना हो जाएगा, माइनस का लैम्डा माइनस आयोटा ओमेगा। आर वन आर टू आते ही हम क्या करेंगे, एक्स में रखेंगे, तो सी वन ई की पावर आर वन टी और सी टू ई की पावर आर टू टी, ये हमारा जनरल सोल्यूशन था, करेक्ट। तो ये कितना मिल जाएगा, सी वन ई की पावर माइनस लैम्डा प्लस आयोटा ओमेगा साथ में टी, प्लस सी टू ई की पावर माइनस लैम्डा माइनस आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा है, ई की पावर, अच्छा ये रहने दो, इतना हो जाएगा ई की पावर माइनस लैम्डा टी कॉमन आ रहा है, सी वन ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस सी टू ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। अब देखो एक्सपोनेंशियल में है, e की पावर आई थीटा का क्या ले सकते हो, कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी। सपोज हम रियल पार्ट कंसीडर करते हैं, तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, रियल पार्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉस रख लेते हैं, और आपको याद होना चाहिए थोड़ी देर पहले सबसे स्टार्टिंग में फ्री ऑसिलेशन में हमने एक चीज करी थी, हमने क्या करा था कि इसको अगर मैं कॉस मान लेती हूँ तो सी वन कितना हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस सी टू कितना हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि इसमें प्लस का साइन ओमेगा टी आता और प्लस का साइन ओमेगा टी जो भी आता मान लीजिए। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे क्या कर सकते हैं, सी वन और सी टू को क्या लिख सकते हैं, सपोज सी वन को मान लेते हैं कॉस अल्फा के टर्म में और सी टू को मान लेते हैं साइन अल्फा के टर्म में, तो कॉस ए कॉस बी और इस प्लस को भी उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं और माइनस लगा लेते हैं, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। हम फ्री ऑसिलेशन में कर चुके हैं ये चीज कि ऐसे एक्सप्रेशन में जिसमें सी वन प्लस सी टू करके दो टर्म्स आते हैं और एक्सपोनेंशियल आते हैं और उनका सिर्फ रियल पार्ट कंसिडर करते हैं, तो हम उसे लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये वाला पार्ट तो हम फ्री ऑसिलेशन में कर चुके हैं, ठीक है, वही किया है, तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू ये आ जाती है, करेक्ट। x हमारे पास ये आने के बाद a e की पावर माइनस लैम्डा टी कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब मैं आपको बता देती हूँ ये वाला कहाँ पे है, तो ये देखिए यहां तक हम कर चुके हैं, ये वाला पार्ट मैंने नहीं समझाया, किसकी जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्टली हम यहाँ तक आ गए हैं, डायरेक्टली हम यहाँ तक आ गए हैं, तो वो वाला पार्ट आप रहने दीजिए, ये वाली इक्वेशन रहने दीजिए, ये रियल करके किया हुआ है। तो लैम्डा लेस देन ओमेगा नोट के कंसीडर में है ना, लैम्डा लेस देन ओमेगा नोट वाला केस लिया था, 25.4 हमारा आ चुका है, और ओमेगा हमारा क्या था, ओमेगा हमने ये रखा है, ठीक है। अब हम इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, ओके, अभी हमारा डैम्पिंग थोड़ा सा कम है। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा तो हो चुका है हमारा, है ना, लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन, इसी केस में हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारा एक्स है, ठीक है, एक्स है, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, सॉरी टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाती है, 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 kx स्क्वायर। अब आप खुद देख लीजिए, इसमें भी एक्स डॉट का स्क्वायर है, इसमें भी एक्स का स्क्वायर है, एक्स डॉट का करो यहां से, जस्ट अ मिनट कॉल आ गया था, अच्छा यहाँ पर देखिए एक्स डॉट को भी करोगे तो एक्स डॉट के अंदर भी आपके पास स्क्वायर, इसका एक्सपोनेंशियल टर्म का स्क्वायर आएगा, अगर एक्स डॉट भी करते हैं तो इसका स्क्वायर होगा एक्सप्रेशन में, आप पूरा ओपन करके करोगे तो भी आपके पास आएगा, और अगर एक्स का स्क्वायर करते हो तो भी एक्सपोनेंशियल में स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, यानी ये क्वांटिटी भी किसके प्रोपोर्शनल है, ई की पावर माइनस टू लैम्डा टी, क्योंकि माइनस लैम्डा टी का स्क्वायर करेंगे तो टू आएगा, इसमें भी कौन सा टर्म आएगा, ई की पावर माइनस टू लैम्डा टी, बाकी के टर्म्स को मैं फिलहाल नहीं लिख रही हूँ, आप वैसे भी कर सकते हैं, हमने एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखा था टोटल एनर्जी का, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, फ्री ऑसिलेशन में हमें मिला था ये। अब अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या है, ये देखो यहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा, पहले क्या था फ्री ऑसिलेशन में, ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो एक्स एनर्जी के अंदर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या आता था, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या होता था, कॉस वाले फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। अब इस केस में अगर एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर की जगह कॉस का मल्टीपल, कॉस का मल्टीपल क्या आ रहा है, कॉस का मल्टीपल आ रहा है ये वाला दोनों का, तो ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस टू लैम्डा टी, इस पूरे को मान लीजिए हम लिख देते हैं ई नोट, तो यह आपका हो जाएगा ई नोट माइनस टू लैम्डा टी, ये हमारे पास डैम्पिंग ऑसिलेशन के केस में एनर्जी आएगी, ये देखिए
ई नॉट आपकी इनिशियल एनर्जी हो जाएगी। दूसरा केस लेते हैं जब लेमडा ज्यादा बड़ा हो, लेमडा ज्यादा बड़ा होगा तो आर की क्या वैल्यू आ जाएगी, लेमडा अगर हमारा बड़ा हो जाएगा तो आर की क्या वैल्यू आ जाएगी। तो देखो आर कितना था, माइनस लेमडा प्लस माइनस रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अगर लेमडा बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो आर की दो वैल्यू हो जाएगी, आर आपका ये हो जाएगा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और आर टू कितना हो जाएगा माइनस लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू स्क्वायर। तो एक्स कितना था, सी वन ई की पावर आर वन टी प्लस सी टू ई की पावर आर टू टी। आर वन आर टू की वैल्यूज रख दीजिए, कितनी आ जाएगी, सी वन ई की पावर ये वाली पूरी वैल्यू प्लस सी टू ई की पावर ये वाली पूरी वैल्यू, साथ में टी साथ में टी। अब मैं ये दिखा देती हूँ क्योंकि बस डायरेक्टली यही लिखा हुआ है इस केस में, ये देखिए 25.6 वही है, सी वन ई की पावर ये आर टू लिखा है पहले और ये आर वन लिखा है बाद में, ठीक है। इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ये वाले के केस में आपकी दिस मोशन इज कॉल्ड ए पीरियोडिक डैम्पिंग। अपीरियोडिक क्यों बोला, क्योंकि देखो लेमडा इज वेरी ग्रेटर देन ओमेगा नोट, आपके पास साइन या कॉस का टर्म इस केस में नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि आपके पास आयोटा नहीं है। एक्सपोनेंशियल में ऊपर क्या आता है, एक्सपोनेंशियल में जो ऊपर आयोटा आता है तभी आप उसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हो ना। तो कॉस थीटा का एक्सप्रेशन कब आएगा, जब आयोटा होगा। यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी आया ही नहीं है, आयोटा आया ही नहीं है, तो साइन या कॉस का तो नहीं बनेगा, और जब साइन या कॉस का नहीं बनता है तो पीरियोडिक मोशन नहीं होती है। तो इस केस में आपके पास डैम्पिंग इतनी ज्यादा कर दी आपने कि पार्टिकल को जैसे ही आपने छोड़ा वो वापस आके उधर गया ही नहीं, वो यहीं पे सीधा रुक गया। और वैसे भी डैम्पिंग ज्यादा करोगे तो मीडियम की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया आपने, तो पार्टिकल उसमें ऑसिलेशन कैसे कर सकता है, जैसे ग्लिसरीन, ग्लिसरीन के अंदर ऑसिलेशन करवाओगे कैसे करवाओगे, ग्लिसरीन इतना गाढ़ा होता है, फ्रिक्शन इतना ज्यादा लगता है उस केस में क्योंकि डैम्पिंग ज्यादा होती है, तो पार्टिकल जो है आपने धक्का भी दिया उसको तो वो वापस आके रेस्ट पे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एपीरियोडिक। एपीरियोडिक क्यों बोला, क्योंकि वहां पे पीरियोडिसिटी नहीं है, जबकि इससे पहले वाले केस में क्योंकि हमने लैम्डा को कम रखा था तो हमें ए की पावर में आयोटा मिल रहा था और उसकी वजह से कॉस और साइन का ग्राफ आ रहा था, ठीक है, कॉस और साइन का हमारे पास ग्राफ आ रहा था। रेजोनेंस पे हमें क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू, सॉरी रेजोनेंस पे हमारे पास क्या है, लेमडा इक्वल टू ओमेगा, लेमडा इक्वल टू ओमेगा नोट। तो हमारे पास आर कितना था, माइनस का लेमडा प्लस माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट। आर वन भी आपका आ रहा है माइनस लेमडा, आर टू भी आपका आ रहा है माइनस लेमडा। आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा जब रिपीटेटिव रूट्स होते हैं, रिपीटेटिव रूट्स होते हैं तो सोल्यूशन में क्या होता है, सी वन प्लस सी टू एक्स, मतलब मैंने x लिखा है तो हमारा t का है, तो c1 वन प्लस सी टू टी एक्सपोनेंशियल और वो आ जाता है rt, जो भी हमारे पास r की वैल्यू है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या आएगा, c1 वन प्लस सी टू टी एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा, सॉरी लेमडा आएगा हमारे पास, लेमडा आएगा क्योंकि लेमडा है ना, माइनस का लेमडा दोनों ही है, r की वैल्यू कितनी है माइनस का लेमडा, तो आपके यहाँ पे लेमडा रख दो, आपके यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का लेमडा, क्योंकि आर कितना मिल रहा है, आर हमें मिल रहा है माइनस का लेमडा, तो ये आ जाएगा माइनस का लेमडा। और इस कंडीशन में हमारे पास ये क्रिटिकल डैम्पिंग होती है, ठीक है। दूसरी चीज आपको डैम्पिंग को वैसे भी समझ सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है, एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि इसमें क्या बनेगा, अगर इसका जो फ्री ऑसिलेशन में क्या मिल रहा था, फ्री ऑसिलेशन में ये मिल रहा था, टाइम के साथ इसका ग्राफ प्लॉट करो, टाइम के साथ इसका ग्राफ हमेशा ऐसे आएगा, सॉरी मैंने साइन में बना दिया, यहां से शुरू कर लो, कॉस का आ जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ मिल रहा है। जबकि इसमें क्या होता है, कॉस फंक्शन है लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्स की वैल्यू घटनी चाहिए, आपका एम्पलीट्यूड घटना चाहिए, तो ध्यान रखना इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, पहले हाई एम्पलीट्यूड फिर धीरे 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 करते जीरो। ये होती है आपकी डैम्पिंग और ये ऑसिलेशन होते हैं आपके फ्री, दोनों में यही अंतर है। तो डैम्पिंग वाला फैक्टर टाइम बढ़ने के साथ उसके एम्पलीट्यूड को घटा देता है, दैट्स इट, मतलब यहां तक हो चुका है बस। अब अपन ये क्या है, फॉर सिस्टम विद मोर देन वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये अपन नहीं करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।